सो हाय गाइस, मेरा नाम है अशोक और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल टेक बड़ा बाबा में स्वागतम है। देखो, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यह है मित्र ऐप है और यह हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक है। तो ये मित्र ऐप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको मित्र ऐप शो हो रहा है, ये मित्र ऐप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका माध्यम से आप APS का पैनल और APS बैंकिंग पॉइंट लेना चाहता है, तो आपको इस तरह कैसे मिलेगा, इसका लोकेशन कैसे आप चेक करेगा, सब भी मैं आप लोगों को इस वीडियो का माध्यम से बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका रेफर लिंक मिलेगा, और रेफर लिंक पे आप ज्वाइन हो जाना तो आपको भी कुछ फ़ायदा होगा, मेरे को भी कुछ फ़ायदा होगा। तो गाइस, अभी तक हमारा टेक वाला बाबू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करना है आपको। जब भी आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करेगा, जो एयरटेल थैंक्स ऐप नाम से है, तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरह ऑप्शन आ जाएगा जिसका नाम है एयरटेल थैंक्स ऐप, और इसमें मेरा बैलेंस शो होगा, और ये मेरा जो अकाउंट है, ये मेरा सेविंग अकाउंट है फुल KYC वाला। तो बहुत भाई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है, मेरे को किस तरह एयरटेल स्टोर में जाना है और किस तरह मेरे को एयरटेल पेमेंट बैंक का BC Agent मिलेगा। तो ये बात आपको क्लियर मैं बताना चाहता हूँ एयरटेल BC Agent लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको देखो, ये आपको मिल जाता है सर्विस, क्या क्या सर्विस इस जगह में, सर्विस मिल जाता है, बैंकिंग मिल जाता है इस जगह में, जो भी आपका प्रॉब्लम है आप इसमें सभी देख सकती है, रेफर भी इस जगह से कर सकती है, रेफर अर्निंग, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत कुछ सर्विस मिल जाता है, और इसमें ट्रेन टिकट्स भी मिल जाता है, बस टिकट, होटल्स, इंश्योरेंस मिल जाता है, नीचे आपको फास्टैग गिफ्ट मिल जाता है, योर अकाउंट मिल जाता है, सेंट ऑफर स्कैन रेफर सब भी मिल जाता है आपको। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको किस तरह जाना है, किस तरह आपको ऑप्शन चॉइन कर लेना है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको जो मोर ऑप्शन मिल रहा है, ये मोर ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो जब भी आप मोर ऑप्शन में क्लिक करेगा, तो आपको लोकेशन बुल का ऑप्शन आएगा। तो देखो, आपको लोकेशन बुल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको लोकेशन में चला जाना है, ठीक है ना। मैं आपको सबसे पहले यही बोलेंगे, आपको लोकेशन में चला जाना है। लोकेशन में जाने के बाद एयरटेल स्टोर आएगा, बैंकिंग पॉइंट आएगा, और शॉप नियर में आएगा। तो आपको मैं बोला था एयरटेल स्टोर में जाने के लिए, तो आपको एयरटेल स्टोर जो होता है, वो आपका होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुसीबत है, तो आपको एयरटेल स्टोर में जाना है। बैंकिंग पॉइंट जो होता है, वो बैंकिंग पॉइंट हमारा है, जो बैंकिंग पॉइंट होता है वो हम लोगों के पास है बैंकिंग पॉइंट। नीचे आपको शॉप नियर में, जो आपका रिटेलर है शॉप का, वो आपको इसमें आ जाता है। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। एयरटेल स्टोर में जाके देखेंगे, एयरटेल स्टोर में हमारे नज़दीक में एयरटेल स्टोर कौन है, ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है आपका नज़दीक में एयरटेल स्टोर कौन है। तो मेरा थोड़ा जुकाम है, तो इसमें आपको पिन कोड डालने से भी होगा, और आप इस जगह में कोई भी ऑप्शन चॉइन करें तब भी आपका होगा, ठीक है ना। तो मैं इसमें 7321 से डाल देंगे, ये मेरा पिन कोड डाल दिया है। इस पिन कोड में मेरा क्या क्या है इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। बर्मन मोबाइल सेंटर, पोपी टेलीकॉम, बर्मन एक्सप्रेस, इसमें बहुत कुछ आ जाए, मैं जिस जगह में हूँ इस जगह का पूरा आ जाता है। ये होता है बैंकिंग पॉइंट, ठीक है ना, एयरटेल बैंकिंग पॉइंट। ओके, तो आप बैंकिंग पॉइंट देख लिया है, अरे बैंकिंग पॉइंट में जो भी जगह में जाएगा तो आपको इसमें नंबर मिलेगा। तो आपको, आप तो देख रहे हैं इसमें सब भी एक ही नंबर क्यों है, आप ये भी कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ मैं। देखो, इसमें भी आपका नंबर शो होता है 888, इसमें वही नंबर शो होता है, तो लेकिन नाम अलग आता है। इसमें आपको कॉलिंग बटन में क्लिक करना है। जब भी आप कॉलिंग बटन में क्लिक करेगा, ठीक है ना, जब भी आप कॉलिंग बटन में क्लिक करेगा, तो देखो आपका नंबर जो होता है इसमें अलग नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, कॉलिंग नंबर में जब भी कॉल करेगा तो आपका कॉलिंग नंबर अलग हो जाएगा। ये होता है आपका एयरटेल सिम का सिस्टम, ठीक है ना। इसलिए मेरे को देखो जाने को सिस्टम भी मिल जाता है, इस जगह से जाना है, कहाँ पे जाना है, सब भी मिल जाता है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बैंकिंग पॉइंट में जाके, ठीक है ना। बैंकिंग में जाएंगे अभी, बैंकिंग में देखो इसमें संजय स्टोर आ जाएगा, इसमें मेरा जो जगह का नाम है सब भी आ जाएगा इस जगह में। ओके, तो इसी तरह आपको देखना है कौन 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 सा जगह में मिलेगा आपको बैंकिंग पॉइंट। तो ये आपका होता है आपका नज़दीक पर एयरटेल स्टोर में जाकर, इसमें शॉप नियर में, आपका शॉप नियर में मर्चेंट जो होता है, अभी इसमें कुछ एरर दिखा रहा है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। अभी प्रोसेसिंग चल रहा है रिक्वेस्ट, तो कोई बात नहीं है। आपको मैं पूरा डिटेल्स शो कर दिया हूँ किस जगह से किस जगह जाना है। तो आई होप इस वीडियो को पसंद होगी, एक लाइक कर देना, आपको दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि इस तरह बैंकिंग पॉइंट देखने के लिए, बैंकिंग फैसिलिटी देखने के लिए हमारा इस टेक वाला बाबू यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए हर टाइम सहमत है।
तो गाइस थैंक यू, और इसी तरह वीडियो देखो और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और इसी तरह बैंकिंग पॉइंट कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके ले सकती है। थैंक यू, बाय।